हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे फिल्म के द्वारा मैटर उतारना बताइए। बहुत दिन से हम ऑर्डर लगाए हुए थे और आखिरकार आज हमें ये फिल्म देखिए मिल चुका है। ये फोटो कीना का फिल्म है, तो इससे हम मैटर को किस तरीके से एक्सपोज करेंगे आज की इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे। अभी हमने इसको खोला भी नहीं है, फर्स्ट ट्राई हम आपके साथ ही करेंगे वीडियो में। तो पहले इसको खोल के देख लेते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिल्म है। अभी हमने इसको कुछ नहीं किया है, कल मेरे पास आया है, आज मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये फिल्म है। ये हमको पड़ा है 300 रुपये का, पूरा एक रोल है 300 रुपये का हमको मिला है ये। देख लीजिए, ये इसका सीधा साइड है और ये इसका उल्टा साइड है। उल्टा साइड में लाइट कम है और सीधे साइड में लाइट ज़्यादा है। तो अभी हम पहले इसको अपने फ्रेम के अनुसार, मतलब हमको जितना चाहिए, आप देख लीजिए ये पीछे का साइड है, ये इसमें लाइट कम है, ठीक है, और ये जो सीधा साइड है इसमें रोशनी ज़्यादा है। तो अब हम इसको उतारने के लिए पहले जितना हमारा मीटर है उतना हम इसको काट लेंगे। हम इसको काट लेते हैं पहले। सबसे पहले आप एक शीशा ले लेंगे कांच, और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि उस पर कोई गर्द वर्द ना रहे। याद रखिए, अगर इस पर धूल रहेगा तो वो धूल भी आपके मीटर पे आएगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद आप इस फिल्म को, जो ये सीधा वाला साइड है जिसमें लाइट ज़्यादा है, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए नीचे लाइट कम है तो इसको नीचे करेंगे, बाकी इसको ऊपर करेंगे। देखिए इस पे भी हल्का हल्का गर्द है, हम इसको भी अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे अपने फ्रेम को रखेंगे। ये हमारा फ्रेम है, हम इस पे फ्रेम को रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पे देखिए फ्रेम को रख दिया। उसके बाद जो हमारा सेंसिटाइजर मिक्स किया हुआ कोटिंग है उसको हम इस पे गिराएंगे। हम इसको गिरा लेंगे जितने में हमको ज़रूरत है। इधर गिराने के बाद जिस तरीके से हम कोटिंग करते हैं उसी तरीके से इसको कर देंगे। इसको 2 से 3 बार कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बाकी जो बचा हुआ है हम इसको उठा के रख लेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा हो चुका है, हमने इस पे कोटिंग कर दी। अब इसको हमें वही करना है, अंधेरे में रखना है। ये देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिपक चुका है इस पे। शीशे पे हमारा थोड़ा सा दाग लग गया, हम उसको पोंछ देंगे, साफ़ कर देंगे और अब इसको अंधेरे में रख देंगे। और आप लोगों में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर कितने देर में सूखेगा। भाई अब इसमें आपको सूखने में बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि ये सूखा है कि नहीं। जब सूखेगा तो नीचे से हम ये, मतलब देख लीजिए इस साइड से, ठीक है, इस साइड से हल्का सा नाखून से मारेंगे तो ये छोड़ देगा। जैसे ये छोड़ देगा तो समझिए कि सूख चुका है। तो हम पहले इसको अंधेरे में रख देते हैं सूखने के लिए। ये देख लीजिए, अब हम इसको देख लेते हैं, ये सूख गया है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा निकल गया है, अब इसको पकड़ के हम खींच देंगे।
ठीक है, ये सूख चुका है हमारा, तो ये निकल गया। अब हम चलते हैं इसको एक्सपोज करने, यानी मेटर को उतारने। तो मेटर उसी तरीके से उतारेंगे जिस तरीके से कोटिंग से उतारते थे, यानी ये कोटिंग हमारा वही है। तो हम इसको, धूप आज अच्छी है, 200 सेकेंड दिखाते हैं फिर भी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट, इस पर हम इसको रख लेते हैं अपने फ्रेम को, उसके बाद इस पर इसको उल्टा, ठीक है, इसके ऊपर से शीशा, अब लेके चलते हैं इसको धूप दिखाने। दो सौ सेकेंड हो गया है, लेकिन धूप थोड़ी सी हल्की है, तो हम और बढ़ा देते हैं 50 सेकेंड। पचास नहीं, बल्कि हमने इसको पूरा 100 कर दिया, यानी 300 सेकेंड कर दिया है। अब चलते हैं इस पर पानी डालने, देखते हैं ये कैसा आया है। अच्छे से पानी डाल देंगे दोनों तरफ से। मीटर इस पे छप तो गया है, लेकिन ये अभी खुला नहीं है, देखते हैं क्या होता है। थोड़े देर तक पानी डालते रहेंगे। पहली बार यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पे हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। पानी का फव्वारा मार के हम देख लेते हैं कैसा आता है ये। शायद ये हार्ड हो गया है, तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे ये खुल रहा है मीटर। हमने 300 कर दिया, अगर 250 ही दिखाए होते तो जल्दी से खुल जाता, लेकिन शक था, हो सकता है कम दिखाते तो पूरा धुल जाता, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए।
देख सकते हैं खुल रहा है धीरे धीरे और बहुत ही फ्रेश खुल रहा है। अब मार देते हैं पानी इससे। देख लीजिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से खुल चुका है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये जो नाम लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गड़बड़ दिख रहा है, बाकी सब बिल्कुल सही खुला है। हाथ लगाने की वजह से ही ऐसा हुआ है, हाथ नहीं लगाते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फ्रेम मैटर बिल्कुल अच्छा आया है। अब उसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रिंटिंग में दिक्कत तो नहीं करेगा ना। फिर भी आपने देख लिया कि फिल्म से मैटर को कैसे खोलते हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से दिख रहा है, हम रोशनी में करके आपको पूरा साफ दिखा देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल साफ तो दिख ही रहा है वैसे ही। बस ये ऊपर का जो नाम है ये बिना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो भी हाथ लगाने की वजह से। अगर हाथ नहीं लगाए होते तो बिल्कुल सही आता। देख लीजिए, तो इस तरीके से हम फिल्म से मैटर खोल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे भी लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि किसी की मदद हो सके। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।